जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग बताइए ऑल ओके okay. बढ़िया खुश हैं मजे में हैं चलिए तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें सबसे पहले तो मैं टू हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है उसके क्लास नोट्स जो हैं वो अपलोड हो गए हैं और अपलोड आप लोग देख लेंगे अब बारी है मैंसुरेशन के थ्री की आज हम दो क्लासेस करने वाले हैं अभी जो क्लास होगी वो बारह बजे से डेढ़ बजे तक होगी और दूसरी क्लास डेढ़ बजे से ढाई बजे तक होगी ठीक है क्योंकि आ, तीन दिन आप लोगों की क्लासेस बंद थी इस वजह से आज मैंने दो क्लासेस लगाई हैं जरूरत पड़ेगी तो रात में भी क्लास लग सकती है एक और ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवरअप कर सकें लिमिटेड टाइम के अंदर इसके अलावा जो हमारा नया बैच था जैसे हमारा शेरशाह बैच जो था शेरशाह बैच में आ, जो अल्जरा टॉपिक है वो आपको फोर्टीन फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा फोर्टीन फरवरी से आप लोगों का एडवांस मैथ में अल्जेब्रा से स्टार्ट होगा और 14 फरवरी से, से, से शेरशाह बैच, बार बार बैच में दो टाइम पर क्लासेस चलेंगी जिनका एडवांस फोर्टीन फरवरी से अल्जेबरा होगा और अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क होगा और मैं फोर्टीन फेब के पहले खत्म कर दूंगा आप चिंता मत करो 14 के चिंता की कोई बात नहीं है वीओडी बैच को पूरा का पूरा सीक्वेंस वाइज हमने अरेंज करवा दिया है परसेंटेज की क्लास वन परसेंटेज की क्लास टू इस तरीके से कर करके सारे टॉपिक्स को एकदम सीक्वेंस में मैंने अरेंज करवा दिया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी डाटा इंटरप्रिटेशन की भी क्लासेस बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगी क्योंकि जो मैं चाहता हूं कि डाटा इंटरप्रिटेशन दो क्लासेस में भी खत्म हो सकते हैं और डाटा इंटरप्रिटेशन पांच क्लासेस में भी खत्म हो सकते हैं लेकिन पांच क्लासेस में जो कंटेंट हम आपको देंगे वो बहुत ही खूबसूरत कंटेंट होगा तो थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था कि जैसे सीजल दो के क्वेश्चन है सी एच के क्वेश्चन हैं वैसे यहां पर हमें अगर सीजल दो के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं या मेस के क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं तो हम उनका भी क्वेश्चन अपडेट करवा के तब साथ में डीआई करवा देंगे जो कि सब

आपको कोन भी मिलेगा फिर उसके बाद सिलेंडर भी मिलेगा फिर स्वेयर भी मिलेगा प्रिज्म होगा पिरामिड होगा जितने भी मैंसुरेशन में थ्री में फिगर्स होते हैं वो सभी चीजें मिलेंगे सबसे पहले बात करते हैं अपने टॉपिक को लेकर के ये मैंसुरेशन जो थ्री है यहाँ पर अगर हम बात करें एक शब्द यहाँ छूट गया है उस शब्द को आप लोग ऐड कर लीजिए ठीक है और वो जो शब्द छूटा है वो क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ थ्री शब्द यहाँ पर गायब है आप यहाँ पर इसको थ्री डी लीजिए क्या मेंशन कर लीजिए यहाँ पे थ्री डी खैर आपके शीट में है अब ये थ्री डी का मतलब क्या होता है थ्री डी का मतलब होता है तीन डायमेंशनल ठीक है यहाँ थ्री डी शब्द ऐड है ही मैं थ्री डी जो है वो यहाँ पर है ही थ्री डी का मतलब क्या होता है तीन डायमेंशनल जिसके तीन डायमेंशन हो यानी जिसके पास लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो ठीक है जिसके पास लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो ऊंचाई भी हो उसको हम कहते हैं थ्री फिगर है। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं वो क्या है थ्री फिगर है जैसे अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या है थ्री फिगर है अगर हम बात करें जैसे हमारा ये मोबाइल फोन हो गया ठीक है अब ये मोबाइल क्या है तो ये मोबाइल भी हमारा थ्री है कैसे तो ये मोबाइल थ्री ऐसे हो गया जैसे मानो आपका ये हो गया लंबाई ये हो गया चौड़ाई और ये जो इसका मोटाईपन हो गया ना ये हो गया ऊंचाई तो ये भी जो हो गया वो क्या हो गया ये भी हमारा एक थ्री फिगर हो गया समझ में आ रहा है बात है यहाँ पे तो हमें इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है थ्री का मतलब जिसके पास लंबाई हो चौड़ाई हो और ऊंचाई हो ठीक है सर आप मैथ्स का डर खत्म कर दिए लव यू सर यू आर बेस्ट धन्यवाद भाई ठीक है चलो चलो सौरभ सिंह जो आपने कहा है मेरे भाई चिंता मत करो जितनी चीजें पहले पढ़ाई हैं आप उनको पढ़ो ठीक है हाइट एंड डिस्टेंस नहीं है रिमाइंडर थ्योरम नहीं है भाई जितना पढ़ाया पहले उसको पढ़ो तो सही जो चीजें नहीं है वो मैं डाल दूंगा आपकी एक बात मैं समझ गया एक बार में जिसके बैच में जो जो वीडियो नहीं है वो अपलोड हो जाएंगे यार जो चीजें पढ़ा रहा हूं, पहले उस पे पढ़ने की कोशिश करो आप लोग मेरे भाई, मेरे भाई दोस्त आप लोगों को यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो डालना मेरे बाएं हाथ का खेल है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अपडेट करके वीडियो नई वीडियो आप लोगों के लिए डालू ताकि उससे आप लोगों का फायदा हो सके अपकमिंग एग्जाम्स तक आप लोग इंक्वायरी नंबर पर फोन करके बोलते हो सर मेरे बैच में ये वाली वीडियो नहीं है सर वीओडी बैच में ये वीडियो नहीं है मुझे पता है वो वीडियो नहीं है मुझसे बेहतर कौन जानता है लेकिन मैं अभी उसको अपलोड क्यों नहीं कर रहा हूं मैं सोच रहा हूं कि पहले जो घंटे पढ़ा रखे हैं मैंने आप उसको पढ़ो तो सही पहले जो टॉपिक नहीं है वो मुझे पता है। उसको मैं वीडियो आप रहे हो, बैच में नहीं है ठंडी के कपड़े में बाकायदा रिकॉर्ड करके मैं दूंगा आपको आप उससे देख लेना नए सवाल होंगे सारे के सारे वो भी देख लेना इस साल के मेन्स के क्वेश्चन होंगे वो भी देखना क्योंकि मेरा हमेशा से मैं किस पे काम करता हूँ आप लोगों के बेनिफिट पे ही तो काम करता हूँ ना कि जिससे आप लोगों का बेनिफिट हो सके तो बेनिफिट होगा बस इस पॉइंट पे आप फायदे पे रहोगे नया कंटेंट मिलेगा यही आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है चिंता मत करो तो देखो 3D में बहुत सारे फिगर्स होते हैं 3D में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हमें क्या-क्या पढ़ना होता है पहले तो हम बात करते हैं कि मेंसुरेशन के 3D का क्या प्रभाव है तो अगर मेंसुरेशन से हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो प्री में जो हमारा सवाल आता है वो एक सवाल से दो सवाल होते हैं ठीक है और सिर्फ थ्री डी की टू डी की मैं बात नहीं कर रहा और मेंस में देखो भाई मेंस में कम से कम है ना मैं आपको बताऊं तो चार से पांच सवाल आपको मिलते हैं लेकिन ये जो भी सवाल होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा ये सवाल कैलकुलेटिव है अगर हम नए पैटर्न की बात करें तो नए पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे कैलकुलेटिव हैं ठीक है एक वक्त होता था पहले के समय होते थे जहां पर सवाल इजी इजी पूछे जाते थे अब जो सवाल पूछा जाता है वो कैलकुलेटिव पूछा जाता है डेटा जो होता है वो बहुत हाई लेवल का दिया जाता है पहले दस बारह पंद्रह था तो अब एक सौ एक अठारह उन्नीस ऐसे करके डेटा दिया जाता है जिनको गुना करने में दिमाग खराब हो तो ये जो मैंसूरेशन की जितनी भी मैं क्लासेस कराऊंगा ये कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन को भी इम्प्रूव करेगा तो जैसे आप कहते हैं कैलकुलेशन ट्रिक्स बताओ कैलकुलेशन ट्रिक्स जो है वो मैं साथ के साथ बताते चलूंगा और उसके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी कराते चलूंगा ठीक है उसके माध्यम से हम आपकी प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे ताकि उससे फायदा क्या होगा उससे फायदा ही होगा कि आपका कैलकुलेशन बेहतर हो जाएगा कैलकुलेशन आपका बहुत बेहतर होता चला जाएगा ठीक है क्योंकि अलग से सीखना और फिर उसको इंप्लीमेंट नहीं करना उससे कभी भी कैलकुलेशन नहीं बढ़ता है स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये मैं पता कर लूँ लेकिन अगर स्क्वायर निकालना कहां पर है या क्वेश्चन में इंप्लाई ना करूँ तो उससे मेरे कैलकुलेशन अच्छे नहीं होंगे तो मुझे इस बात पर देना है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो भी याद होना चाहिए और साथ में मैं उसको सही जगह पर सही टाइम पर इम्पलीमेंट भी कर पाऊं तो ये मैं का टॉपिक आपके कैलकुलेशन को अनदर लेवल पर लेकर जाने वाला है ठीक अब बात करते हैं यहां पर प्री और मेंस के सभी सवालों को यानी ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ठीक तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें हमें पढ़ना पढ़ना है है क्यूब फिर उसके बाद क्यूबर्ड ठीक है घन गन, हो गया फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्यूब क्यूबर्ड से थोड़ा सा बढ़कर मैं अभी इंग्लिश में लिख रहा हूँ हिंदी में भी सारी बातें आप लोग को बता दूंगा चिंता मत करो फिर हमें पढ़ना है सिलेंडर सिलेंडर का मतलब हो गया बेलन फिर उसके बाद पढ़ना है कौन कौन का मतलब हो गया शंकु ठीक है क्यूब हो गया क्यूबोर्ड हो गया सिलेंडर हो गया कौन हो गया फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्पेयर गोला हो गया जिसको स्पेयर के बाद हम पढ़ेंगे हाँ पर अर्ध गोला जिसको हम कहते हैं ठीक है फिर उसके बाद जब इन सभी पॉइंट्स को पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे प्रिज्म क्या होता है और फिर हम पढ़ेंगे पिरामिड क्या होता है ठीक है प्रिज्म क्या होता है पिरामिड क्या होता है क्योंकि जब हम स्फेयर पढ़ रहे होंगे या कौन पढ़ रहे होंगे तो कौन के साथ साथ एक और टॉपिक को हम पढ़ेंगे वो होगा फ्रस्टम ठीक है फ्रस्टम क्या होता है तो कोन को काट कर बनता है यानी मुख्यतः तो मेन हमें क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर कोन स्फीयर हेमिस्फीयर प्रिज्म पिरामिड और ये जब सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लगाएंगे कुछ मिक्स फिगर्स के क्वेश्चन मिक्स फिगर के क्वेश्चन कैसे मिक्स फिगर का क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा जैसे मान लो कि आपने खिलौना बनाया खिलौना का जो आधार है वो अर्ध गोलाार्थ है और उसके ऊपर हमने एक शंकु को बिठा दिया तो ये मिक्स फिगर हो गया जहां पर हेमी के ऊपर कोन को रखा गया है इसी तरीके से बहुत सारे मिक्स फिगर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे फिर मिक्स फिगर को करने के बाद हम सभी के सभी टीसी के अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लगाएंगे जो थोड़े से नए पैटर्न पर हैं ठीक है जिनका कहीं ना कहीं इन सभी का समावेश से मिलाकर वो सवाल बना हुआ है साथ में जितने भी क्वेश्चंस हम इस थ्रीडी में करने वाले हैं ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको टाइप वाइज मिलेंगे देखते चलो मैं आपको खासियत बता देता हूँ अगर आप अपने शीट में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको टाइप वाइज होगा ठीक है टाइप वाइज कैसे होगा जैसे पहले क्यूब के हैं तो क्यूब के क्वेश्चन एक साथ फिर क्यूबोर्ड के हैं तो क्यूबोर्ड के क्वेश्चन एक साथ इस तरीके से टाइप वाइज होगा टाइपोइस के साथ आपको लेवल वाइज भी देने की कोशिश की गई है लेवल वाइज कैसे जैसे अगर मैं मान लो क्यूब के बारे में बात करता हूं तो क्यूब के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है एरिया निकालो फिर उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है वॉल्यूम निकालो ठीक है फिर उसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है उसके बाद क्वेश्चन हमारे और भी खतरनाक खतरनाक आते हैं कि पचास क्यूब को एक के साथ एक एक रख दिया तो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया और पचासों सवाल हमसे पूछे जाते हैं इस क्यूबर्ड के अंदर नल से हम पानी डाल रहे हैं पानी की रफ्तार इतनी है सौ कहानियां होती हैं तो यहां पर क्या होगा धीरे 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 हम अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे इससे क्या होगा कि लेवल बढ़ाने के साथ साथ हम सभी रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन पे भी फोकस करेंगे जैसे मानो कि हमारा एम है एम में सबसे ज्यादा म्यूसुरेशन के सवाल होते हैं फिर उसके बाद हम सी एच एस एल के भी क्वेश्चन को टच करेंगे सीजीएल के भी क्वेश्चन को टच करेंगे फिर मेन्स के भी क्वेश्चन को टच करेंगे इसके अलावा जैसे सीपीओ हो गया बैंकिंग हो गई या रेलवे हो गए इन सभी एग्जाम्स के बारे में अच्छे तरीके से जो जो सवाल पूछे जाते हैं उनको हम कवर अप करते चलेंगे यानी ओवरऑल ये कंप्लीट वीडियो हो जाएगी आपके मैं थ्री डी को लेकर जितना अगर आप कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे तो टाइप वाइज भी होगा और वाइज भी होगा हर एक कैटेगरी को हम टच करने वाले हैं और बेसिक से हाई लेवल तक जाने वाले हैं थ्योरी की जो भी बातें होंगी वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा भाई ठीक है इससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अनदर लेवल पर आपका कॉन्फिडेंस जाएगा चीजों को आप समझ पाओगे जहां पर भी डाउट होगा वहां पर आप तुरंत पूछ सकते हो क्योंकि ये लाइव क्लास चल रही है इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और ये सभी के लिए एक बेनिफिट की बात है तो सबसे पहले हम सबसे पहले फिगर की बात करते हैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ने वाला हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में पिछले तीन सालों में आया है और वो मैंने स्किप कर दिया हो हर सवाल का जहां पर जरूरत होगा स्मार्ट अप्रोच हम आपको बताएंगे ज्यादा से ज्यादा आपके बेनिफिट कराने की पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी कि जितनी

कोई दिक्कत की बात है देखो सारे क्वेश्चन आप देखते चलो ना मैंने पहला क्वेश्चन ही सीजल का प्री का डाला हुआ है फिर उसके है। फिर उसके उसके बाद बाद दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन आपके मेंस मेंस का का है है आपका तीसरा भी पर तो बहुत सारे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सारे के सारे प्रीवियस ईयर के साथ मैंने अपडेट करवा दिए मैंने कहा खुद से क्वेश्चन देने से बेहतर है कि बच्चों को नए तरह के सवालों पर प्रैक्टिस करवाई जाए इससे फायदा मेरे भाई ये हो जाएगा आप लोगों का ठीक है कि आप लोगों का नए पैटर्न पर बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगा ठीक है देखो सारे के सारे एम से लेकर सीजीएल मे से लेकर सीपीओ से लेकर सारे नए सवाल ताकि ये जो डेटा दिए गए हैं इन पर आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए और जब आप किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट लगाए या जब आप पेपर देने जाए तो एक आपका बढ़िया स्कोर निखर कर आए और जो टाइप आपके प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए हैं वो टाइप के क्वेश्चंस मैंने खुद सेट किए हैं और उनको भी मैंने फिट किया है कि अगर फ्यूचर में उसके ऊपर भी सवाल आता है तो आप उसको बना सकें

ठीक है जैसे मानो आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कि के यहां स्क्वायर है डाइस जानते हो ना डाइस डाइस का मतलब क्या हो गया <coughs> पासा और यही पासे को अगर आप जो है देखोगे तो जो पासा आप खेलते हो ना वही पासा क्या कहलाता है वही पासा आपका क्यूब कहलाता है वो पासा क्या है तो क्यूब है यहाँ पर समझेंगे ये जो पासा आप खेल रहे हैं यही पासा क्या हो जाता है क्यूब हो जाता है इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है तो क्यूब की अगर हम भूजा बोलते हैं क्यूब किससे बना है तो स्क्वायर से बना है इस बात को ध्यान रखना क्यूब का जो भी बेस होता है वो हमेशा स्क्वायर होता है यानी जितनी इसकी लंबाई होती है उतनी ही इसकी चौड़ाई भी होती है और उतनी ही इसकी ऊंचाई भी होती है तो एक पासा यानी एक डाइस आप देखेंगे एकदम बराबर होगा जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई और इसी को हम क्या कहते हैं तो क्यूब कहते हैं मुजफ्फर कहते हैं सर प्लीज डू रिप्लाई लव फ्रॉम कश्मीर लव यू भाई ठीक है लव यू ऑल क्रेजी टीचिंग है <laughs> चलो आ तो अब यहां पर देखो तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यूब के बारे में हमें क्या क्या जानना है तो क्यूब का अगर हमारा साइड जो होता है अगर हम उसको बात करें कि वो ए है तो क्यूब में क्या क्या हो सकता है सोचो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपने अगर पासा देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि यार पासा से संबंधित क्या क्या हो सकता है तो पासा के सतह को जब आप टच करते हो पासा के सतह को टच करते हो जो आप उसको अपने हाथ में पकड़ते हो ऐसे ऐसे रगड़ते हो उसको फेंकने के लिए तो आप जो उसको टच करते हो और जहां तक उसको टच कर सकते हो वो होता है उसका क्षेत्रफल यानी वो होता है एरिया तो कितने साइडों को आप टच कर सकते हो कितने एरिया को तो आप बोलोगे सर उसके छह साइड होते हैं छह साइड होते हैं ठीक है एक दो तीन चार ऊपर एक पांच और नीचे एक छे। और मैंने पूछा आपसे कि एक साइड की एरिया कितनी होती है तो आप बोलते हो सर अगर कोई एक सरफेस का एरिया निकाले तो जैसे इसी सरफेस में देखोगे तो ये सरफेस एक स्क्वायर है स्क्वायर का एरिया कैसे होता है साइड इंटू साइड होता है तो एक सर्फेस का एरिया ए स्क्वायर तो पूरे के पूरे छह सर्फेस का एरिया कितना होगा सिक्स स्क्वायर तो सिक्स ए स्क्वायर को हम क्या कहते हैं टोटल सर्फेस एरिया ठीक टोटल सरफेस एरिया जैसे अगर आप इस कमरे में बैठे हैं जिस कमरे में मैं हूं तो इस कमरे में टोटल छे सरफेस हैं। मेरे राइट साइड की दीवाल मेरे लेफ्ट साइड की दीवाल मेरे सामने की दीवाल मेरे पीछे की दीवाल चार सरफेस हो गए एक ऊपर का छत हो गया नीचे का जमीन हो गया छह साइड हो गए

चार पांच छे सात आठ यानी इसके कितने वर्टेक्स हो जाएंगे तो आठ वर्टेक्स हो जाएंगे ठीक है इसके अलावा और कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं फिर यहां पर जो हमारा सवाल बनता है वो किस पर बनता है तो लेटरल एरिया भी आप कह सकते हो या फिर आप कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया को कभी कभी हम एरिया फोर वॉल्स भी कहते हैं चार दीवारों की ठीक है चार दीवारों की इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स कहते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स चार दीवारों का एरिया और फोर वॉल्स कौन कौन सा होता है जैसे दीवार जो है ना छत को दीवार नहीं कहते जमीन को दीवार नहीं कहते दीवार कौन होता है दाहिने साइड की जो दीवार हो गई लेफ्ट साइड की दीवार हो गई राइट साइड जो सामने है वो दीवार है जो मेरे पीछे है वो दीवार है बाकी ऊपर तो सीलिंग है और नीचे तो रूफ है नीचे जो है वो जमीन है ऊपर सीलिंग हो गया तो इसलिए फोर वॉल्स का एरिया जब भी बोले यानी हमें चार सरफेस का एरिया लेना है एक सर्फेस का एरिया ए स्क्वायर तो चार सर्फेस का एरिया कितना हो जाएगा फोर ए स्क्वायर हो जाएगा यहां पे एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर तो चार सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा फोर ए स्क्वायर हो जाएगा फिर उसके बाद यहां पर अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया को लेके कि सर टोटल कितना होगा तो टोटल निकालने के लिए क्या होगा कि ये चार दीवालों का एरिया फोर ए स्क्वायर एक छत का एरिया ले लेंगे पांच ए स्क्वायर और एक नीचे का एरिया ले लेंगे ले 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 तो कितना हो जाएगा सिक्स ए स्क्वायर हो जाएगा यानी टोटल एरिया कितना हो जाएगा तो सिक्स ए स्क्वायर ठीक तो उसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपके लिए जो मोस्ट पढ़ना होता है वो होता है आपका वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब क्या होता है वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि आप उसके अंदर कितना सामान रख सकते हो या जैसे अगर मानो कि कोई पासा आपने बनाया है जैसे कल के दिन आप एक कंपनी बनाते हो पासा बनाने वाली कंपनी और उस कंपनी में आपको जो है ये देखना है कि यार कितना मीटर क्यूब प्लास्टिक लगेगा एक डाइस को बनाने में पासा को बनाने में तो जो भी आपका जो मटेरियल लगता है उस फिगर को बनाने में वो मटेरियल हमेशा क्या कहलाता है वॉल्यूम कहलाता है जो भी मटेरियल लगता है कभी ऐसा देखा अंदर से पासा खोखला हो काटोगे तब भी अंदर सामान निकलेगा यानी जितना मटेरियल आप लगता है किसी भी को जैसे कि मैंने प्लास्टिक को पिघलाकर इस खांचे के अंदर डाल दिया तो जो भी मटेरियल है जहां जहां तक ये खांचा भरा वो पूरा का पूरा क्या होगा वॉल्यूम होगा ठीक है तो ये हमारा वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा क्या होता है वॉल्यूम बराबर हमेशा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वॉल्यूम बराबर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या फिर हमेशा ऐसा कह सकते हो कि वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट बेस के एरिया को हाइट से गुना कर देते हैं किसी भी प्रिज्म का किसी भी प्रिज्म का एरिया वॉल्यूम निकालना है तो उसके बेस के एरिया को उसके हाइट से गुना कर दो बेस का एरिया क्या है साइड इंटू साइड है और हाइट क्या है ए है यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा तो वॉल्यूम हमारा ए क्यूब हो जाएगा तो बस इसी पर आपका सवाल पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा ये किसके लिए है है पर तो ये जो हो गया हमारा क्यूब के लिए है। अगर ये हमारा क्यूब के लिए है है मेरे भाई तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम कह सकते हैं के लिए ठीक क्यूबर्ड अब नेक्स्ट फिगर हमें किसके बारे में पढ़ना है तो क्यूबर्ड के घनाब इसको कहते हैं ना ठीक है नेक्स्ट <coughs> पॉइंट क्या हो गया तो घनाब हो गया ठीक अब घनाब के बारे में जानते हैं कि घनाब क्या फिगर क्या होता है अब देखो घनाब जो हो गया वो आपका एक हाथ में आपका किताब हो गया घनाब का मतलब आपका मोबाइल हो गया घनाब का मतलब जो हो गया वो एक तरीके से जिस आप कमरे में बैठे हो वो हो गया तो घनाब कैसे बनता है घनाब का मतलब ये हो जाता है कि अगर हम इसके बेस को अगर हम इसके बेस को स्क्वायर ना बनाकर ऐसे रेक्टेंगल बना दे कि अगर हम ऐसे दो रेक्टेंगल्स को लें और इसका जो बेस है वो स्क्वायर ना होकर रेक्टेंगल हो जाए तो ये क्यूब से किस में तब्दील हो जाता है ये क्यूब से क्यूबर्ड में तब्दील हो जाता है फिर ये बोलता है कि हम क्यूब नहीं रहे हम तो क्यूबॉइड हो गए क्यों क्योंकि तुमने हमारी लंबाई को अलग बना दिया तुमने कहा कि ये हमारा एल है ठीक है फिर उसके बाद आपने कहा कि ये भैया हमारा बी है और ये हमारा क्या हो गया हाइट हो गया ठीक है यानी इस बात को समझेंगे कि जो क्यूब का फिगर बनता है वो स्क्वायर से बनता है और जो क्यूबॉइड यानी घनाब बनता है वो किससे बनता है तो वो एक रेक्टेंगल से बनता है और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है सेम तरीके से इसकी भुजाएं अलग अलग होती हैं लंबाई अलग चौड़ाई अलग ऊंचाई अलग इसमें भी छह फेस होते हैं एक दो तीन चार पांच छे इसमें भी आठ वर्टेक्स होते हैं ठीक है चलो सर योर प्रॉफिट एंड लॉस लेक्चर वाज टू गुड मेरे सभी आंसर्स आ रहे हैं क्या बात है बढ़िया है भाई मौज करो यहाँ पे तो अब देखो यहाँ पर भी सेम तरीके से सबसे पहले क्या पूछा जाएगा या तो बोलोगे सर सी हो गया या बोलोगे सर एल हो गया कोई लेटरल सरफेस एरिया कहीं दिया जाता है कहीं कर्व सरफेस एरिया दिया जाता है या कहीं पर आप बोलोगे तो सर फोर वॉल्स की एरिया हो गई फोर वॉल्स का एरिया हो गया यहाँ पर एरिया ऑफ फोर वॉल्स आप कह सकते हो तो ये किसके बराबर है तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये जो दीवार आएगी सामने वाली इसका एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई ये जो दीवार आएगी दूसरी वाली ये वाली पूरी की पूरी इसका एरिया कितना होगा तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई ठीक है यानी अगर हम बात करेंगे फोर वॉल्स की एरिया को लेकर जैसे आप सामने खड़े हो जाओ आप अपने कमरे में एक बार देखो तो चार दीवारों की वैल्यू यानी सामने वाली दीवाल पीछे वाली दीवाल दाहिने वाली दीवाल बाएं वाली दीवार ये जो राइट साइड में दीवार है इसके बेस को देखिए इसके जमीन को देखिए अगर उसकी लंबाई को आप एल मानते हैं उसके ऊंचाई को आप एच मानते हैं तो ये जो दीवार दाहिने साइड में आपकी दिखेगी वो लंबाई इंटू ऊंचाई दिखेगी यानी दिखेगा कितना दिखेगा तो एल इंटू एच दिखेगा ये आपका राइट साइड अगर ऐसा है तो आपका लेफ्ट साइड का भी दीवार भी उसी तरीके से होगा राइट साइड का बेस अगर एल है और ऊंचाई एच है तो एरिया एल एच हो गई तो लेफ्ट साइड का भी एरिया एल होगा यानी हम बोलेंगे सर इसका देखो एरिया बी इंटू एच अगर उसका एरिया बी इंटू एच तो पीछे वाली भी दिवाल वैसे ही होगी और उसका भी एरिया बोलोगे बी एच यानी बोलोगे टू बी एच तो ये हो जाएगा टू एल एच और ये हो जाएगा टू बी एच जिसको कहीं पर किताबों में देखोगे टू इंटू एच एल प्लस बी ये भी कहा जाता है कि टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच टू इंटू एल इंटू एच जिसको एरिया के नाम से बहुत फेमस भी किया जाता है कि अगर एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकालना है इसका मतलब आपको कर सर्फेस एरिया निकालना है किसी गनाप का तो टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू एच क्योंकि टू भी कॉमन आ गया एच भी कॉमन आ गया तो लंबाई और चौड़ाई हो गया ठीक है अब मानो ये तो भैया कर्व सरफेस एरिया हो गया अगर हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो हम टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे तो हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया को देखेंगे टोटल 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 सरफेस 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 एरिया 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 क्या हो जाता है तो तो के बारे में समझो तो का मतलब ये चार दीवार भी हमें चाहिए हमें ऊपर का भी सतह चाहिए हमें नीचे का भी सतह चाहिए तो दाहिने साइड और लेफ्ट साइड की दीवार की वैल्यू क्या है एरिया तो टू एल एच है ठीक है अगर दाहिने साइड का एरिया एल एच है तो लेफ्ट साइड का भी एरिया एलएच होगा यानी ये दो दीवारों की वैल्यू तो टू इंटू एल एच आ जाएगा उसी तरीके से यहां पर सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी तो टू बी एच आ जाएगी आपको ठीक है और बात करते हैं जमीन को 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 लेकर तो 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 जरा जमीन 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 पे एक बार एक बार बार नीचे नीचे गड़ाओ गड़ाओ आप लोग वीडियो को छोड़ के नीचे नजरे गड़ाओ, बस मेरी बात को सुनो तो जमीन में देखोगे तो का एरिया निकालना है अगर आपका जमीन जो है स्क्वायर के फॉर्म में है तो वो तो क्यूब है लेकिन अगर वो रेक्टेंगल के फॉर्म में है तो बोलोगे सर ये सामने मेरी लंबाई है और ये मेरी चौड़ाई है यानी जमीन एक रेक्टेंगल है आयत है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई होता है यानी इस कमरे में जिस जमीन पर हूं मैं उसका क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई तो इसी जमीन के बराबर हमारा छत भी है तो जमीन की अगर क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई है तो छत का क्षेत्रफल भी लंबाई चौड़ाई होगा यानी यहां पर बोलेंगे तो ये हो जाएगा 2lb 2lb अगर यहां पर कॉमन लोगे तो बोलोगे 2 lb प्लस बी एच प्लस एल एच जो हम बचपन में पढ़ा करते थे तो कर्व सरफेस एरिया हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है वो क्या आ जाता है वॉल्यूम कि भैया वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा जैसे जिस कमरे में अगर आप बैठे हैं उस कमरे में अगर मैं ये बोलूं कि हवा कहां कहां पर पर फैला फैला है है तो आप बोलोगे सर हवा हवा हर एक पॉइंट हुआ यानी कितना वॉल्यूम करके चल रहा है तो आप बोलोगे सर हवा का वॉल्यूम निकालना है तो हमेशा बेस के एरिया से हाइट को गुना कर देते हैं सबसे बढ़िया बताता हूँ वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है जैसे आप क्या करना की एक रुपया का एक सिक्का लेना एक रुपया के एक सिक्के के ऊपर फिर दूसरा रखना तीसरा रखना चौथा पांचवा रखना तो आप क्या करोगे उसको धीरे 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 ऐसे एक एक का सिक्का रखते जाओगे ना तो ये ऐसे हाइट बनेगा तो कभी भी अगर वॉल्यूम निकालना होता है तो बेस के एरिया से जितना हाइट दोगे वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा अगर एक सिक्का रखोगे तो वॉल्यूम एक सिक्के के बराबर दो रखोगे दो के बराबर तीन रखोगे तीन के बराबर यानी वॉल्यूम निकालने का जो बेस्ट पॉइंट होता है हमेशा बेस के एरिया को हाइट से गुना करते हैं बेस के एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई है और हाइट हमारा एच है तो वॉल्यूम हमारा एल हो जाएगा ठीक है भाई पॉइंट हो गए क्लियर यहां पे अब उसके बाद यहां पर उसके बाद हमें यहां पर दो पॉइंट को और जानना है ये तो छोटे मोटे पॉइंट हो गए जहां तक हम बचपन में पढ़ते थे अब इसके बाद दो पॉइंट जानना है इसमें दो डायगनल होते हैं विकर्ण होते हैं और ये दो डायगनल के ऊपर बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा जाता है क्या पूछा जाता है इस बात को समझो तो सबसे पहला होता है कि, कि किसी भी का विकर्ण ठीक है दो तरह के डायगनल होंगे जैसे आप जिस कमरे में बैठे आप उसी कमरे में बैठिए मैंने कहा डायगनल बनाना है तो डायगनल बनाना है तो आप बोलेंगे सर देखो हमारे पास छह साइड है हर साइड का अपना अपना डायगनल हो सकता है जैसे अगर हम अपने दाहिने साइड के दीवाल को देखें तो दाहिने साइड के दीवाल का सबसे ऊपर वाले पॉइंट से अगर एक लंबा सा हम रस्सी नीचे वाले पॉइंट को टच करवा दें तो वो हमारा डायगोनल हो जाएगा ऐसे जैसे क्रॉस का साइन कहाँ कहाँ बना सकते हो तो एक दाहिने वाली साइड पे क्रॉस का साइन बन सकता है लेफ्ट वाली दीवार पे क्रॉस का साइन बन सकता है सामने वाली दीवार पे क्रॉस का साइन बन सकता है क्रॉस का का साइन मतलब हो गया डायगोनल यानी अगर हम बात करें तो हमारे पास जितने साइड होंगे डायगोनल हमारा उतना होगा यानी यहां पर एक तो हो जाएगा इसका डायगोनल जिसको हम कह सकते हैं कि सर इस वाले पॉइंट से ये टच करेगा और इस वाले पॉइंट तक जाएगा ये हो गया इसका डायगोनल इसमें कोई समस्या की बात तो बोलोगे नहीं सर अगर खुद सोचो कि ये वाली भुजा ए है और ये वाली भुजा ए है तो ये जो साइड का डायगोनल होगा जिसको हम कहते हैं डी तो ये जो साइड का डायगोनल होगा ना साइड का जो डायगोनल होगा साइड के डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों तो साइड के डायगोनल की वैल्यू साइड इंटू साइड प्लस ए पाइथागोरस लगाओगे तो जब ए होता है A होता है तो ये डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट से आएगा तो हम बात करेंगे सर यहां पर ये नब्बे का कोण बना रहा है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ये वैल्यू हो जाएगी रूट टू इंटू ए हो जाएगी ये साइड का डायगोनल हो गया और जो तीसरा डायगोनल हो गया वो कौन सा देखो यह

लॉंगेस्ट रॉड भी कहा जाता है कि ये लॉन्गेस्ट रॉड यानी आप इस कमरे में सबसे लंबा रॉड कहां पर लगा सकते हो आपके इस कमरे में आप बैठे हो ना आप सबसे लंबा रॉड कहां फिट कर सकते हो इस बात को समझो लॉन्गेस्ट रॉड बोल दो लॉन्गेस्ट रोप बोल दो लॉन्गेस्ट लेंथ बोल दो किस कमरे में सबसे बड़ी अगर लंबाई है लॉन्गेस्ट रॉड ना कह के आप ये कह सकते हो लॉन्गेस्ट लेंथ ठीक है किस कमरे में सबसे लंबी भुजा जो होगी वो क्या होगी यानी लंबाई जो है वो तो समान है फिक्स है चौड़ाई जो है वो समान है वो फिक्स है ऊंचाई जो है वो समान है वो फिक्स है उससे थोड़ी सी लंबाई से लंबाई से और चौड़ाई से बड़ा जो हो जाता है वो डायगनल हो जाता है लेकिन क्या इससे भी कुछ लंबा हो सकता है तो आप बोलोगे हाँ सर इस कमरे में सबसे लंबा मान सिर्फ एक ही चीज है और वो है इस घना इस घन का डायगनल ठीक है अब डायगोनल कौन सा पॉइंट होगा तो आप जहां बैठे हैं बस एक काम करिए जैसे जैसे मैं कह रहा हूं आप अपने लेफ्ट साइड वाले कोने को देखो तो लेफ्ट साइड में नीचे के कोने को देखो आप अपने बाएं साइड के कोने को देखिए लेफ्ट साइड के कोने को देखिए दिखा जैसे मेरा कोना वहां नीचे है वो नीचे वाले कोने को देखा देखा अब आप अपने जस्ट ये आपका लेफ्ट में था ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में था लेफ्ट वाले का हाथ का नीचे और अब आप क्या करो आप अपने राइट right साइड वाले के कोने को देखो लेकिन ऊपर राइट right के नीचे के कोने को नहीं देखना है राइट के नीचे के कोने को नहीं राइट के ऊपर के कोने को यानी सीधा सीधा मैं अगर बात करूं तो ऐसे ठीक है मैं बात करूं तो ऐसे यहां पर कि लेफ्ट का नीचे वाला राइट का ऊपर वाला इस कमरे में ये जो रॉड होगा ना ये जो रॉड होगा ये रॉड सबसे लंबा रॉड होगा एग्जाम्पल के तौर पे इस कमरे में जो आपका जो रॉड बात करते हैं सबसे लंबा इसी पॉइंट से शुरुआत होगा ठीक है लेकिन वो यहां ना जाके अगर मैं बात करूं तो ये यह यहां जाएगा जैसे डीवन डायगनल को आप ऐसे भी कह सकते हो डीवन डायगनल अगर आपको बनाना है तो ये यह आप यहां से मिटा के डीवन डायगनल के बारे में चरित्र चित्रण आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गया वो है और यहां से लेकर ऊपर तक जो जाए मतलब नीचे नीचे से लेकर तक, इस से ले जो तक टू है। यानी अगर इसकी लंबाई a है और ये तो ये हो जाएगा रूट टू ए और इसकी जो लंबाई हो जाएगी ये हो जाएगा रूट थ्री बोलोगे सर कैसे रूट थ्री देखो ये हमारा रूट टू ए है और ये हमारा ए है इनके बीच में नब्बे का होता है तो का स्क्वायर कितना है A है और बेस का तो और थ्री ए का जब आप रूट लगाएंगे तो तो ये ये जो आपका हो हो जाएगा ये की जाएगी लॉन्गेस्ट होता है वो कितना होता है तो रूट थ्री होता है इस बात को ध्यान रखें क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है ये तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा ये दे देता है और फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हमारा ये हो जाता है ठीक उसी तरीके से अगर हम आ जाते हैं यहां पर क्यूब में भी तो क्यूब में भी दो तरह के डायगोनल होते हैं पहला डायगोनल जो होता है वो होता है साइड का कि साइड का डायगनल तो साइड का डायगनल तो आपके ऊपर होता है जैसे मानो अगर आप ये डायगनल निकाल रहे हो तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इसी तरीके से अगर आप इस साइड का स्क्वायर निकाल रहे हो तो अलग अलग डायगनल निकालोगे तो अलग अलग लेकिन अगर हम पूरे के पूरे इस घनाब की बात करें यहां नीचे वाले से लेकर ऊपर वाला डायगनल तक तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर यानी अगर हम बात करते हैं यहां पर कि क्यूबॉइड यानी एक घनाब क्यूबर्ड यानी ये घनाप का जो डायगनल होता है जिसको हम लॉन्गेस्ट रूप भी कहते हैं लॉन्गेस्ट रॉड भी कहते हैं उसकी वैल्यू होती है L2 plus B2 plus H2, और क्या कर देंगे रूट लगा देंगे ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे बताओ ऑल क्लियर है यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो ये सभी पॉइंट हमारे हो गए क्वेश्चन ठीक है चलो आ जाओ अब हम हो गया कि ये हमारा क्या है क्यूब है गौर से देखेंगे ये हमारा क्या है क्यूब है ठीक है और ये क्यूब में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इस क्यूब की जो साइड है ना इस क्यूब की साइड दोस्तों हमारी दी गई है तीन सेंटीमीटर कितना दिया गया है तीन सेंटीमीटर दिया गया है मुझे सबसे पहले इसका जो है कर्व सरफेस एरिया बताओ कि कर्व सरफेस एरिया कितना होगा फिर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ कितना होगा और फिर उसके बाद मुझे इसकी वॉल्यूम बताओ कितना होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा टोटल कितना होगा और वॉल्यूम कितना होगा यदि ये क्यूब की साइड हमारी तीन सेंटीमीटर है तो बताएंगे कितना 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 उसकी वैल्यू होगी अंजलि कहती हैं थैंक यू सर आप तो महीने में पूरा एनिमेशन बना दे रहे हैं काश पहले ही पढ़ लिए होते आपसे हैं पहले अवेलेबल नहीं थे पढ़ेगा किसे <laughs> चलो कोई बात नहीं आप पढ़े रहे हो ना तो आप फायदा उठाओ तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूब को लेकर कि यदि इसकी भुजा तीन सेंटीमीटर है तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगी तो कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी 6a स्क्वायर ठीक है वॉल्यूम हमारा हो जाएगा कितना तो वॉल्यूम की बात करें तो ए क्यूब और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ठीक है यहां पर अगर हम बात करते हैं डायगनल के बारे में क्यूब के डायगनल के बारे में क्यूब है क्यूब डायगनल तो क्यूब का डायगनल भी अगर हमसे पूछा जाए तो कल के हम क्या बता देंगे तो हम बोलेंगे सर क्यूब का डायगनल क्या होता है बताओ तो क्यूब का डायगनल होता है रूट अंडर थ्री ए अब हमें सबकी वैल्यू निकालनी है ए की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है तीन सेंटीमीटर ए की वैल्यू कितनी दी है तीन सेंटीमीटर तो तीन का स्क्वायर नौ चौके कितना हो जाएगा छत्तीस हो जाएगा तीन का स्क्वायर नौ छ कितना हो जाएगा चौवन तीन का क्यूब कितना हो जाएगा तो सत्ताईस और यहाँ पर हो जाएगा हमारा तीन रूट तीन सब पॉइंट आ गए छत्तीस चौवन सत्ताईस और तीन रूट तीन छत्तीस चौवन सत्ताइस और तीन रूट तीन ठीक है छत्तीस चौवन सताइस और तीन रूटीन क्लियर हो जाएगा ये बात आपको कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम और क्यूब का डायगोनल ये क्वेश्चन नंबर वन था हमारा आपके तरफ से चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं अगला क्वेश्चन हमें यह बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू जल्दी से आंसर दो अब साइड को मैं यहां पर कर रहा हूं पांच सेंटीमीटर साइड को मैं आपको कर रहा हूं पांच सेंटीमीटर और सेम सारे के सारे सवाल होंगे मेरे आपसे कि भैया बताओ इनकी वैल्यू कितनी होगी क्या बताओगे साइड है हमारी पांच सेंटीमीटर एक एक पॉइंट बताना है कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया क्यूब की डायगोनल हो गई हर चीज की वैल्यू बताओ एक ही साथ लिख के एक ही आंसर में कॉमा दे दे के के लिख के बताओ चलो क्या क्या बताओगे बताओ।, बताओ। बोलोगे सर देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कर्व सरफेस एरिया अगर हम बात करें यहां पर तो कर्व सरफेस एरिया जो हो गया वो हो गया हमारा फोर ए स्क्वायर ठीक है फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर वॉल्यूम हो गया ए क्यूब और डायगोनल हो गया रूट थ्री है एक का मान कितना है पांच है फॉर्मूला नहीं याद है तो मामला गबरा जाएगा फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा तो बोलोगे सर पांच का स्क्वायर देखिए कितना है तो पांच का स्क्वायर पच्चीस पच्चीस का चार गुना सौ पांच का स्क्वायर पच्चीस पच्चीस का छह गुना कितना हो जाएगा डेढ़ सौ पांच का स्क्वायर पांच का क्यूब कितना हो जाता है एक सौ पच्चीस हो जाता है और ये कितना हो जाएगा पांच रूट तीन ठीक है कोई भी सवाल पूछेगा तो हम बता सकते हैं सौ डेढ़ सौ एक सौ पच्चीस पांच रूट तीन सौ डेढ़ सौ एक सौ पच्चीस पांच रूट तीन क्या बात है मेरे भाई बहुत अच्छे संजना वर्मा विष्णु गीतांजलि अमरीश अमिषा ठीक है शक्ति सिंह बहुत अच्छे हमेशा बहुत शानदार सभी के आंसर आ रहे हैं क्लियर हुआ ये बात तो क्यूब पढ़ लिया ना अब चलो अगला सवाल देखो क्यूबोर्ड के ऊपर क्यूबोर्ड के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है अब क्यूबोर्ड के ऊपर अगर हम मानते हैं यहाँ पर तो समझना मेरी बात को ठीक है ये हमने आपको एक क्यूबोर्ड दे दिया क्या दे दिया एक क्यूबोर्ड दे दिया हमने कहा यहाँ पर कि ये घनाब है ठीक है और इस घनाब में इस घनाब में इसकी जो लंबाई है ना वो है दो सेंटीमीटर इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारा तीन सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो हमारा है पांच सेंटीमीटर ठीक आप हमें वही बातें बता दो सबसे पहले जो है कर्फ सरफेस एरिया इसकी बता दो कितनी होगी फिर मुझे इसकी टोटल सरफेस एरिया बता दो कितनी होगी फिर मुझे इसका जो है वॉल्यूम बता दो कितना होगा और फिर मुझे जो है इसका डायगोनल बता दो कि डायगोनल कितना होगा जल्दी से आंसर बताओ क्यूबोर्ड को लेकर डायगोनल ऑफ क्यूबोर्ड ठीक है कि यहाँ पर इसका जो विकरण होगा वो कितना होगा और याद रखो ये फिगर क्या है तो ये फिगर के बारे में अगर हम पढ़ें तो दिस इज अ अवबोर्ड कर सरफेस एरिया कितना टोटल सरफेस एरिया कितना वॉल्यूम कितना डायगोनल कितना किसके बारे में पूछा गया है क्यूबोर्ड के बारे में बताइए आंसर कितना होगा चलिए बोलेंगे सर देखो बहुत आसान काम है ठीक है अगर हम बात करते हैं कर्व सर्फेस एरिया को लेके तो कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दो टोटल सर्फेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सर्फेस एरिया हो जाता है टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच यहाँ पे ठीक है वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में क्या हो जाता है यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और डायगनल की बात करते हैं तो बोलते हैं सर कि डायगनल की वैल्यू हो जाती है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इसका क्या हो जाता है रूट हो जाता है फॉर्मूला नहीं याद है तो मामला गबड़ा जाएगा फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा अब बात करते हैं यहाँ पर तो वैल्यू रखो लंबाई प्लस चौड़ाई दो प्लस तीन ठीक है तो दो प्लस तीन पांच पांच इंटू दो दस दस इंटू पांच कितना हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आपकी पचास आएगी कितनी आएगी तो पचास आएगी यानी इसकी वैल्यू हमने कह दी पचास है फिर उसके बाद एल बी बी एच एल एच तो यहां पर दो हो जाएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दो तीन पांच है तो बोलेंगे सर दो इंटू तीन प्लस तीन इंटू पांच प्लस पांच इंटू दो या दो इंटू पांच कह सकते हो कि दो इंटू पांच है कितना हो जाएगा तो बासठ हो जाएगा यहाँ पे इकतीस का दो गुना कितना हो जाएगा तो बासठ हो जाएगा फिर यहाँ बात करते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को लेके यानी दो इंटू तीन इंटू पांच पांच पंद्रह कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा इसका वॉल्यूम कोई परेशानी की बात है तो बोलोगे नहीं सर 30 हो जाएगा और अगला डायगनल की बात करते हैं तो दो का स्क्वायर चार तीन का स्क्वायर नौ पांच का स्क्वायर पच्चीस ठीक है पच्चीस नौ चौतीस चार अड़तीस तो वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट अंडर थर्टी एट इज द करेक्ट आंसर तो लंबाई कितनी आ गई कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया पचास आ गया टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया बासठ आ गया वॉल्यूम कितना आ गया तीस आ गया और डायगोनल कितना आ गया रूट थर्टी एट आ गया क्लियर है ये बात आपको ठीक है रूट थर्टी एट आएगा गलती मत करिए गीतांगले सिंह रूट थर्टी नाइन आंसर आपका गलत है थर्टी एट आएगा अगला सवाल सेम मेरा आप लोगों से है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इसके बाद मैं आपको कुछ ब्यूटीफुल रिलेशन कराऊंगा ठीक है में सेम होगा बस दो तीन पांच के जगह पे अब आपका एग्जामिनर थोड़ा सा डेटा डिफरेंट देगा बोलेगा लंबाई आपकी एक सेंटीमीटर हो गई चौड़ाई आपकी दो सेंटीमीटर हो गई हाइट आपका तीन सेंटीमीटर हो गया अब आप मुझे यहाँ पर हर किसी की वैल्यू बता दो कि यहाँ पर हर किसी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी जल्दी से बता दो यहाँ पर कि कर सरफेस एरिया कितना होगा टोटल कितना होगा वॉल्यूम कितना होगा डायगोनल कितना होगा एक ही साथ सभी आंसर करें अलग अलग आंसर ना करें मतलब कि ऐसा नहीं कि पहले एक बार एरिया बता रहे हो फिर ये एक ही आंसर में सब कुछ लिख कर बताओ कॉमा देकर पचास कॉमा बासठ कॉमा बैतीस कॉमा अड़सठ इस तरीके से करके जो भी है लक्ष्मी लक्ष्य लक्ष्मीता अच्छा लक्ष्मीता नाम है अमरीश तिवारी बहुत शानदार भाई आंसर बताओ चलो क्या बोलोगे बोलोगे सर इसको निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए बस फॉर्मूला याद है तो हम आंसर निकाल पाएंगे जैसे फॉर्मूला क्या क्या है वो देखते चलो यहां पर तो ये जो हरा कलर से जो लिखा है वो क्या है आपका फॉर्मूला है सरफेस सरफेस एरिया का 2 into L plus B into H, का 2 into LB, B, H, LH, का टोटल तो वॉल्यूम दो, दो, तो दो, दो, दो और बाहर में कितना जमा है तो तीन है ठीक है तो तीन इंटू तीन नौ नौ इंटू दो कितना आ जाएगा तो अठारह इसका आंसर है। उसी तरीके से दो, इन्टु एक इन्टु दो, दो इन्टु और एक इंटू दो यहां पर एक इंटू तीन ठीक तो बोलेंगे सर दो इंटू दो जमा 6 जमा तीन तो छ तीन नौ दो ग्यारह का दोगुना कितना हो जाएगा बाईस हो जाएगा फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें यहाँ पर तो एक इंटू दो इंटू तीन होगा यानी वैल्यू इसकी बाईस है इसकी छह है यहां पर बात करें यहां पर तो वैल्यू रखना है एक का स्क्वायर एक दो का स्क्वायर चार तीन का स्क्वायर नौ एक दो तीन नौ चार चौदह करेक्ट आंसर तो हमारे अलग अलग सबके आंसर आ गए ठीक है एग्जामिनर हमसे कुछ कुछ भी पूछ सकता है किसी भी पेपर में तो ध्यान रखना है अठारह बाईस छ और रूट फोर्टीन और हम तभी इसको आंसर कर पाएंगे जब हमें क्या होगा वैल्यूज याद होंगे ठीक है तो क्यूबोर्ड क्यूबॉर्ड ध्यान रहा आपको अब कुछ स्पेशल पॉइंट बताता हूं स्पेशल पॉइंट किस में तो स्पेशल पॉइंट टू रिमेंबर ठीक है स्पेशल पॉइंट टू रिमेंबर ठीक है इन क्यूबॉर्ड क्यूबॉर्ड में दो स्पेशल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है क्यूबॉर्ड का मतलब घनाब हो गया समझ जाओगे समझदार हो धीरे धीरे मेरे साथ कोऑर्डिनेट करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा अब अगर बात करते हैं यहां पर क्यूबोर्ड को लेकर तो जैसे क्यूबॉर्ड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है यहां पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है दोस्तों हाइट होता है अगर हम यहां पर अगर हम यहां पर क्या कर दें दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं अगर हम यहां पर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं ठीक है तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा <coughs> या फिर हम ऐसे भी इसको इसी टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम बराबर इस वाले टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट लगाकर एल का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर और इंटू एच का स्क्वायर या फिर हम ऐसे ना लिख कर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल बी एच का एल बी एच का क्या करो स्क्वायर भी लिख सकते हो और रूट भी लिख सकते हो आप ऐसे समझो यहाँ पे ठीक है या फिर आपको ऐसे ना समझा के एक काम करता हूं मैं आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं जैसे मान लो कि एक फेस का ठीक है एक फेस का एरिया हमारा कितना आता है ठीक है जैसे मान लो कि आपने क्यूबोर्ड देखा है ना यहाँ पे आपने ये क्यूबोर्ड देखा है ना अब ये क्यूबोर्ड में एक फेस का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई होगा जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो एक काम करो इस कमरे के दाहिने साइड की दीवार को देखो तो इसका एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई लंबाई इंटू ऊंचाई होगा आप अपने सामने वाली दीवार को देखो तो इसका एरिया चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगा यानी देखो लेंथ इंटू हाइट ब्रेथ इनटू हाइट और जमीन को देखोगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ यानी अगर हम बात करेंगे तो हम अगर बात करें यहां पर तो सबसे पहले हमने कहा कि अगर हम फर्स्ट फेस की बात करते हैं क्यूबर्ड में तो फर्स्ट फेस का जो एरिया होता है वो कितना होता है लेंथ इनटू हाइट होता है अगर हम सेकेंड फेस की बात करें ठीक है तो वो हो जाता है ब्रेथ इंटू हाइट और अगर हम थर्ड फेस की बात करें थर्ड फेस का मतलब क्या हो गया लेंथ ब्रेथ हो गया अगर आप कंफर्मेशन लेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं समझने के लिए कि ये आपके लेफ्ट साइड के दिवाल का देखो ये आपके जो है लेफ्ट साइड के दीवाल का एरिया हो गया ये फ्रंट साइड का एरिया हो गया जहां पर आप बैठे हैं और ये आपका ग्राउंड का एरिया हो गया ये तीन होते हैं क्यों क्योंकि जो ग्राउंड का एरिया होता है वहीं सीलिंग का भी एरिया होता है टॉप का जो लेफ्ट का एरिया होता है वहीं राइट right का होता है और जो फ्रंट का होता है वहीं बैक का होता है यानी हमें तीन अलग अलग एरिया मिलते हैं अगर हम तीनों अलग अलग एरियाओं को गुना करते हैं ठीक है इन सबको आपस में गुना कर दें इसको भी इसको भी और इसको भी तो हमें क्या मिलता है ले टू हाइट पहला वाला फिर उसका गुना लगाते हैं ब्रेथ इंटू हाइट के साथ और फिर उसका गुना लगाते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ के साथ तो यहां पर लेंथ को देखेंगे तो दो बार इस्तेमाल होता है ब्रेथ को देखेंगे तो दो बार इस्तेमाल होता है और हाइट को देखेंगे तो दो बार इस्तेमाल होता है होता है कि नहीं होता है होता है ना यानी हमारा जो ये वैल्यू आएगा वो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा और हमने वॉल्यूम में क्या रिलेशन पढ़ा है दोस्तों तो हमने वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ा है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट

ठीक है तो वॉल्यूम का रिलेशन हमने ये पढ़ा यानी अगर हम वॉल्यूम के स्क्वायर को कर दें तो वॉल्यूम को स्क्वायर करेंगे तो लंबाई का भी स्क्वायर होगा ब्रेथ का भी स्क्वायर होगा हाइट का भी स्क्वायर होगा और ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर जो है ये कुछ नहीं तो ये हमारा वॉल्यूम के स्क्वायर के बराबर है यानी यहां से एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं और वो रिलेशन क्या निकाल सकते हैं तो यहां से एक और चीज हम इसी रिलेशन को थोड़ा सा आगे ले जाकर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा अगर हम दोनों साइड रूट लगा दें तो रूट इन फर्स्ट फेस इंटू सेकेंड फेस और इंटू देखो यहां पर आप ऐसा कह सकते हो ठीक है कि फर्स्ट फेस इंटू सेकेंड फेस का कहने के बजाय आप कह सकते हो ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री

आएगा उसका रूट लगाओगे तो एलवीएच आ जाएगा जो किसके बराबर होता है वॉल्यूम के बराबर होता है ठीक है लक्ष्मीता कहते हैं स्टूडेंट फ्रॉम मैसूर कर्नाटका क्या बात है बहुत जबरदस्त समझ में आ गया बात यहां पे तो हमें क्या करना है तीनों सरफेस को गुना करना है तीनों सरफेस के एरिया को गुना करके रूट लगा देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा ये पहला केस हो गया ठीक है जो अल्जबरा से हम निकाले और जो दूसरा केस हो गया वो क्या हो गया जैसे आप पढ़ते हैं ए प्लस बी प्लस सी का वोल स्क्वायर तो ए प्लस बी प्लस सी का वोल स्क्वायर हम लगाते हैं इसमें कि यदि हम एल प्लस बी प्लस एच का वोल स्क्वायर करें तो क्या होगा तो इसका डायरेक्ट हम कह सकते हैं ठीक है डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसका जब हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू इन टू एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच ठीक है ये दो पॉइंट हमारे बाहर निकल कर आते हैं अब यहां पर जब हम दो पॉइंट को काउंटर अटैक करते हैं तो ये एल प्लस बी प्लस एच क्या है तो बोलेंगे सर ये सम ऑफ साइड्स है यानी हम कह सकते हैं कि सम ऑफ साइड्स का वोल स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और ये क्या होगा टू इन एल बी तो ये बोलेंगे सर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा तो टोटल सरफेस एरिया यानी यहाँ पर कल के दिन अगर हमसे यहाँ पर इस रिलेशन पर भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं जैसे मानो हमारा एग्जामिनर क्या करेगा एल का बी का और एच का वैल्यू दे देगा और टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू दे देगा और बोलेगा एल की वैल्यू बताओ अगर आप कल के दिन इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना चाहोगे तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडर्नाइज किया जा सकता है कहीं ना कहीं ये एल स्क् क्या है तो इस कमरे में जो डायगोनल था उसका स्क्वायर है यानी आप अगर हर टर्म को यहाँ पर मॉडर्न करोगे तो ये सम ऑफ साइड है इसको बोलोगे तो ये बोलोगे टोटल सर्फेस एरिया है और ये कहीं ना कहीं क्या है तो ये कहीं ना कहीं डायगोनल का क्या हो गया मेरे भाई तो का स्क्वायर हो गया। यानी बस हमें इसी बात को मेरे भाई ध्यान रखना है ये रिलेशन और ये रिलेशन में क्या होगा जैसे बोल देगा कि आप जिस कमरे में बैठे हैं वो एक घनाब है उस घनाब का डायगोनल 10 सेंटीमीटर है टोटल सरफेस एरिया 50 है तो बताओ उसके साइडों का अनुपात या साइडों का स्क्वायर क्या होगा ठीक है साइडो के सम का स्क्वायर क्या होगा तो ये ध्यान रखना है सम ऑफ साइड का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया ये ये पॉइंट और हमारा वॉल्यूम जैसे सबसे पहला सवाल आपके सीजल में आया छोटे मोटे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं अब आपको ये सवाल देखने को मिलेगा ही नहीं आपके पेपर में कि लंबाई दे दी चौड़ाई दे दी टोटल सर्फेस एरिया बताओ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी वॉल्यूम वो जमाना गया अब वो सवाल नहीं आते हैं बच्चे वाले सवाल ठीक है अब यहां पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर क्यूब एंड क्यूब वर्ड में सबसे पहला पॉइंट देखो द एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ देखो तीन बगल के पड़ोसी सरफेस का एरिया 32 है 24 है 48 है हमसे क्या बोला गया वॉल्यूम सवाल किसमें पूछा गया सीजल के जून में ठीक है आदित्य भैया थैंक यू सो मच मैथ में अच्छा बनाने के लिए अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है चिंता मत करो बस आप अच्छे से मन लगा के पढ़ो हम आपके पूरे सपोर्ट में हैं तो हमने क्या कहा कि आपको तीन बगल 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 सरफेस के एरिया दे दिए और वॉल्यूम पूछा है और हमने अभी आपको क्या बताया स्पेशल केस में स्पेशल केस में हमने आपको बताया कि वॉल्यूम निकालना है तीनों एरिया दिया है तो कैसे निकालोगे तीनों एरिया को गुना करके रूट लगा दो वही वॉल्यूम के बराबर होगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हालत खराब हो जाएगी यानी बोलेंगे सर वॉल्यूम बराबर क्या होगा तो वॉल्यूम बराबर हम कह सकते हैं a1 into a2 into a3 इन एरिया को गुना करके क्या कर देंगे रूट लगा देंगे बराबर पहले वाले का एरिया कितना है तो बोलेंगे 32 है दूसरे वाले का एरिया 24 है तीसरे वाले का एरिया क्या है तो 48 है कोई समस्या की बात मेरे भाई बस इस 32 को ऐसे ही 32 रहने दो ये 48 को भाग करोगे तो 48 24 2 होता है ठीक है अरे घनाब के तीन असन फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है फलकों का मतलब ये साइड वाले एरिया हो गया यार उतना क्या मतलब समझा समझा करो करो ना फीलिंग्स को यहां पे ठीक है हिंदी भी पूरा शुद्ध बोले इंग्लिश भी पूरा शुद्ध बोले सवाल भी समझा पाए कोर्स भी टाइम पर कंप्लीट हो जाए तो सौ बातें हो जाएंगी कैसे मैनेज हो पाएगा थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट करो ठीक है हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलने को कहते हो और दो नंबर का इंग्लिश का मेन्स में पेपर देना है पचास नंबर का डिस्क्रिप्टिव लिखोगे ठीक है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो कल के दिन पैसेज में ही क्यूबर्ड शब्द इस्तेमाल कर दिया तो कैसे पकड़ोगे अब 32 को 32 रहने दो यहाँ पे 24 को 24 रहने दो यहाँ पे 48 को क्या करोगे तो 48 24 का ही तो मल्टीपल है यानी 24 का ये दो गुना है अब यहाँ पर देखो तो ये 24 कितनी बार आया दोस्तों तो चौबीस दो बार आया है रूट से जब बाहर आएगा तो वो एक हो जाएगा बत्तीस का दो गुना चौंसठ होता है और चौंसठ का रूट कितना होता है तो आठ होता है तो आठ चूके बत्तीस आठ सोलह और एक आठ दूनी सोलह और तीन कितना हो जाएगा उन्नीस हो जाएगा यानी वन नाइन टू सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन हवेली पे ठीक है समझ में आ गया यहाँ पे चौबीस चौबीस का मतलब चौबीस आ गया बत्तीस को दो के साथ गुना करोगे चौसठ और चौसठ का रूट कितना होता है चौसठ का रूट आठ होता है तो चौबीस को आठ से गुना करने पर एक सौ बानबे सेंटीमीटर क्यूब ध्यान रहेगा कोई समस्या की बात है अगर अलग अलग एरिया हमें दे देगा वहां से हमसे टाइम पूछेगा हम निकाल सकते हैं ना आ जाओ यहाँ पे बहुत शानदार चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे <coughs> सेम तरीके से हमसे यहाँ पर कहा गया है कि तीन एडजेसेंट फेसेस का एरिया दे रखा है तीन बारह और सोलह कैपेसिटी पूछा है क्षमता और कैपेसिटी को क्या कहते हैं तो कैपेसिटी को हम कहते हैं वॉल्यूम ये सवाल किसका है तो सीजल के मेन्स का क्वेश्चन है देखेंगे कि घनाकार टैंक के तीन आसन भुजाओं के क्षेत्रफल दे रखे हैं और टैंक की क्षमता पूछी है मैंने कहा क्षमता देखो शक्ति सिंह सोलांकी कहते हैं नहीं समझ में आया क्या समझ में नहीं आया मेरी बात बताना जरा प्रतिभा शर्मा सर योर कंसेप्ट इज वेरी नाइस आई एम फ्रॉम मुंबई क्या बात है यार बहुत अच्छा है आज तो हर स्टेट से बच्चा पढ़ रहा है सिंपल है मेरे दोस्त इस बात को ध्यान रखो वॉल्यूम निकालना है और तीनों एरिया ही दी गई हैं तो तीनों एरिया को गुना करके रूट लगा दो अगर आप बच्चे की तरह यहाँ सॉल्व करना चाहते हो तो इसका फैक्टराइजेशन करो बैठ के और उस फैक्टराइजेशन को सॉल्व करो तो वाइन टू लेके नहीं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करो यहाँ पे कि बड़े बड़े रूट्स हैं उनको हमें कैसे तोड़ना है इतनी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ठीक है अब आ जाओ यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट समझो सेम तरीके से यहाँ पर भी एरिया दिया गया है लेकिन अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस समझना है 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 आपका कैपेसिटी कैपेसिटी पूछा शब्द का मतलब होता वॉल्यूम लेकिन वो आपसे पूछा है लीटर में अब आपको कन्वर्जन आना चाहिए कन्वर्जन का मतलब क्या होता है आपको एक स्पेशल अपने कॉपी में आज ही नोट कर लेना है और नोट मेरे दोस्त क्या करना है तो सबसे पहले नोट ये बात कर लो कि एक एक हजार सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना वो एक लीटर के बराबर होता है वो एक लीटर के बराबर होता है हजार सेंटीमीटर क्यूब हमारा एक लीटर के बराबर होता है ये बात सत्य है और ये बात हमेशा सत्य रहेगी ठीक है पेपर में बहुत बार सवाल पूछा जाता है तो ये नोट बनाकर लिख लेंगे हजार सेंटीमीटर क्यूब एक लीटर के बराबर होगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों वॉल्यूम को लेकर तो वॉल्यूम बराबर हमेशा क्या हो जाएगा ए वन इंटू ए टू और इन टू क्या हो जाएगा ए थ्री हो जाएगा हो जाएगा यहाँ पर तो बोलेंगे हाँ सर वॉल्यूम तो इतना ही होता है ठीक है पहले वाले की एरिया कितनी है तो पहले वाले की एरिया तीन मीटर स्क्वायर है कितनी है यहाँ पर तो बोलेंगे तीन मीटर स्क्वायर है इसका एरिया कितना है तो बोलेंगे बारह मीटर स्क्वायर है इसका एरिया कितना है तो बोलेंगे सोलह मीटर स्क्वायर है अब यहां पर निकालेंगे तो रूट निकालेंगे बारह का तीन गुना होता है छत्तीस 12 का तीन गुना होता है 36, 36 का रूट आ जाता है 6 और 16 का रूट आ जाता है 4, यानी 6 इंटू चार क्या आ जाएगा तो 24. अब ये मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर और ये वॉल्यूम निकाला तो वॉल्यूम किस में निकला मीटर क्यूब में अब अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम हमारा 24 मीटर क्यूब है और मीटर को हमें बदलना है सेंटीमीटर में तो एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है दोस्तों तो बोलोगे एक मीटर में सर सौ सेंटीमीटर होता है तो यहाँ मीटर का तीन बार पावर है यानी हम इसको कितने बार गुना करेंगे सौ को तीन बार एक मीटर एक सेंटीमीटर में बदला दूसरा मीटर दूसरे में बदला तीसरा तीसरे में बदला अब ये हमारा हो गया सेंटीमीटर का क्यूब ठीक है लेकिन हमें आंसर तो बताना है यहाँ पर लीटर में और अगर हमें लीटर में बताना है तो हमें सेंटीमीटर क्यूब को देखो हमने कहा था ना कि एक लीटर में हजार सेंटीमीटर क्यूब होते हैं यानी कभी भी अगर आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आए तो उसको किससे भाग करना होता है उसको हजार से भाग करना होता है हजार से भाग करने पर यह सेंटीमीटर क्यूब किस में बदल जाता है लीटर में यानी अगर हम बात करेंगे तो तीन जीरो से हमने तीन जीरो को काट दिया तो चौबीस इंटू तीन जीरो बच गया यानी चौबीस liter is the correct answer ये हमारा वैलिड पॉइंट है पेपर में बच्चा यही गलती करता है चौबीस सौ फिर उस केस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस केस में अगर आपको कन्वर्जन पता नहीं है आपको बी भी, भी सही लगेगा आपको ये भी सही लगेगा आपको ये भी सही लगेगा इसलिए इस बात को ध्यान दो पहले मीटर क्यूब को बदलना था सेंटीमीटर क्यूब में और को से भाग करना था ताकि हम किसमें बदल सके तो लीटर में बदल सके ठीक है ध्यान रहेगा यह बात ठीक कोई परेशानी की बात है यहाँ मेंस का क्वेश्चन था अगले सवाल की तरफ आ जाइए अगला सवाल भी मेंस का ही क्वेश्चन है देखते हैं एक बार सवाल में बोला क्या है सवाल को देखिए क्या कहा है बोला है कि घनाप की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग यानी देखो सम ऑफ सम ऑफ ए क्यूबर्ड इज ट्वेंटी सेंटीमीटर अगर डायगोनल की लंबाई इतनी है तो फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबर्ड ये हमारा था

सरफेस एरिया पूछा मतलब इस तीन में क्या करेगा एग्जामिनर किसी भी दो का मान दे देगा और तीसरे का आपसे पूछ लेगा तो ये रिलेशन याद होना चाहिए कि सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया तो सेम तरीके से अगर हम यहां पर बात करें क्वेश्चन नंबर तीन में जो कि आपका आया है सीजल के मेन्स में तो आप क्या बोलोगे हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि सम ऑफ साइड्स सम ऑफ साइड्स का जो स्क्वायर होता है सम ऑफ साइड का जो स्क्वायर होता है यानी एल प्लस बी प्लस एच का वोल स्क्वायर बराबर होगा हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे डायगोनल डायगोनल यानी विकर्ण विकर्ण का स्क्वायर और प्लस टोटल सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर ठीक तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है अब आप सवाल में देखेंगे तो घना की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग यानी सम ऑफ साइड कितना है तो 20 है तो सम ऑफ साइड 20 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 400 हो जाएगा डायगनल कितना है विकर्ण की लंबाई बारह सेंटीमीटर और हमें करना है डायगनल का स्क्वायर यानी हमें एक ठीक और पूछा क्या है कुल सतह का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया पूछा है आप बताओ मुझे तो 400 में से 144 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 256 और ये 256 क्या हो जाएगा ठीक है छ चार दस पांच चार नौ दस दो एक तीन एक चार ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया यानी दो सौ छप्पन इज द करेक्ट आंसर बताओ मेंस इसका सवाल था मेंस का सवाल जिस भी बच्चे को स्पेशल केस याद था उसने इस सवाल को दो लाइन में बना दिया लेकिन सोचो कि अगर किसी को स्पेशल केस याद नहीं होता तो कितना समय लगता तो यही चीजें आप इस क्लास में सीखते हैं कि सवालों को कैसे शॉर्ट में करना है मैंने कहा ना कि सवालों को मैंने टाइप वाइज भी बांटा हुआ है लेवल वाइज भी बांटा हुआ है और कहीं पर आपको एक परसेंट भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मेन्स का सवाल था लेकिन समय ज्यादा लगा ठीक है एकदम बढ़िया तरीके से प्यार प्यार से स्मूद तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे हर तरह के सवाल को लगाते चलेंगे ठीक है तो क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन नंबर तीन में इसका क्लियर हुआ चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो अगला सवाल सीपीओ का क्वेश्चन है सीपीओ मतलब मेज क्वेश्चन यहां पर कहा गया है कहा गया है अ रिवर इज तीन मीटर डीप एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर डाउट कहां से सॉल्व करें डाउट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मैथ्स वाला जो है मैथ्स डाउट 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 ग्रुप आदित्य रंजन वहां पर आप भेजो आपको आपको के सॉल्यूशन मिलेंगे बाकी लोग आपको को सॉल्व करके भेजेंगे तो वहां पर डाउट भेजो आप अगला सवाल देखो सवाल नंबर चार कहा गया है यहाँ पे कि एक रिवर जो है वो तीन मीटर डीप है छत्तीस मीटर वाइड है और वो इतने के रेट से फ्लो करता है तो वॉल्यूम जितना उसमें पानी जा सके सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं मीटर गहरी तथा छत्तीस मीटर चौड़ी एक नदी है तो मानो नदी की जो गहराई है वो तीन मीटर है मानो यहाँ पर अगर मैं आपके माइंड में इस नदी को बनाना चाहूँ तो कुछ प्रकार ये नदी ऐसी है ठीक है कुछ प्रकार ये नदी ऐसी है कि इसकी गहराई कितनी है तो इसकी गहराई तीन मीटर है उसके बाद कहा गया छत्तीस मीटर चौड़ा नदी है ये नदी की चौड़ाई छत्तीस मीटर है यहाँ पे ठीक है ये तीन मीटर है और ये छत्तीस मीटर है और उसके बाद बोला गया है कि इसमें जो पानी बह रहा है ना ये जो पानी बह रहा है उसका पांच किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार है और ये पानी जाके कहा गिर रहा है तो ये पानी जाके समुद्र में गिर रहा है बोला गया तीन मीटर गहरी तथा इतना मीटर चौड़ी नदी समुद्र में इतना किलोमीटर की चाल से बहती है तो प्रति मीटर, वा मीटर समुद्र में जाने वाली पानी का परिणाम बताओ प्रति मीटर नहीं होगा प्रति मिनट होगा यहाँ पे प्रति मिनट प्रति यहां पर होगा मिनट ठीक है कि प्रति मिनट एक मिनट में समुद्र में पानी जो है वो कितना जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इनटू द सी पर मिनट मिनट में कितना पानी जो है वो समुद्र में जाके गिरेगा यानी कहीं ना कहीं हमसे पूछा गया है कि एक मिनट में इसकी वॉल्यूम कितनी होगी जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए ना कि एक मिनट में कितना पानी समुद्र में जाएगा एक मिनट में कितना पानी टंकी में भरेगा एक मिनट में कितना पानी जैसे कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोलेगा कि आप खेती करने वाले किसान हैं और आप अपने खेत में पानी जो है वो बोरवेल या ट्यूबवेल या नहर से जो है वो खेती खेतों में पहुंचा रहे हैं पानी को ठीक है आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि जिस पाइप से आप पहुंचा रहे हैं उसका आकार एक घना का है क्यूबोर्ड का है उस पाइप पाइप की लंबाई आपको दे देगा कि वो जो पाइप है ना वो इतना मीटर लंबा है या फिर लंबा नहीं बोलेगा वो, बोलेगा वो पाइप इतना मीटर चौड़ा है उस पाइप की ऊंचाई इतनी है और जो लंबाई वाला शब्द होता है ना उस लंबाई के जगह पर इसकी स्पीड दे दी जाती है और बोलता है कि बताओ एक मिनट में पाइप में कितना पानी हो जाएगा यानी एक मिनट में लेने का मतलब हो गया कि असल में अगर ये मेरा एक पाइप है ना दोस्तों तो कुछ नहीं करना है इस पाइप को एक मिनट लंबा लेने का मतलब हो गया कि एक मिनट में इस पाइप के अंदर कितना पानी होगा क्योंकि इसकी चौड़ाई फिक्स है इसकी ऊंचाई फिक्स है जितने मिनट में बोलेगा वो उसकी लंबाई हो जाती है यानी ऐसे सवालों में क्या होता है कि यहाँ पर चौड़ाई फिक्स होती है ऊंचाई फिक्स होती है लंबाई बराबर क्या होता है तो लंबाई बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम होता है या फिर लंबाई बराबर आप ये कह सकते हो स्पीड जैसे अगर एक मिनट बोलेगा तो एक मिनट में उतने कितना डिस्टेंस तय किया वही उसकी लंबाई अगर घंटे बोलेगा तो एक घंटे में पांच हजार मीटर उसकी लंबाई हो जाएगी या पांच किलोमीटर उसकी लंबाई हो जाएगी अगर दो घंटे बोलता तो दो घंटे में दस किलोमीटर यानी लंबाई को हम दस घंटे लेते हैं अगर वो तीन घंटे बोलता तो तीन घंटे में लंबाई को हम पंद्रह किलोमीटर लेते हैं एग्जाम चार घंटे बोलता तो चार घंटे में लंबाई को बीस किलोमीटर लेते हैं समझ में आ रहा है बात यानी हमेशा आप ऐसे याद रखो तो लंबाई बराबर यानी लंबाई बराबर क्या होता है डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम कि स्पीड कितनी है तो स्पीड पांच किलोमीटर पर घंटा है और टाइम कितना है एक घंटे की बात है तो पांच किलोमीटर दो घंटे की बात है दस तीन की बात है पंद्रह यही उसकी लंबाई हो जाएगी ठीक है समझ में आ गया बात यहाँ पे तो हमें यहाँ पर क्या बताना था वॉल्यूम बताना था और वॉल्यूम को बताने के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की जरूरत होती है लंबाई के जगह पर हम हमेशा क्या करते हैं जो इसकी रफ्तार होती है और जितना समय इसको जाना होता है ठीक है यानी रफ्तार अगर हम बात करें तो एक घंटे में बंदा कितना जाता है तो पांच किलोमीटर यानी साठ मिनट में पांच किलोमीटर मैंने कहा साठ मिनट में कितना जाते हो पांच किलोमीटर पांच किलोमीटर का मतलब पांच मीटर हमसे कहा गया है यहाँ पर मिनट मिनट में कितना जाएगा भाई? एक मिनट में कितना कितना जाएगा जाएगा? भाई? तो इसको अगर हम एक से भाग कर दें, देखो साठ से भाग कर दो तो बोलोगे सर पांच हजार बटे साठ मीटर ये मेरी लंबाई हो जाएगी साठ मिनट में मैं इतना मीटर जा रहा हूं एक मिनट में मैं इतना जाऊंगा यानी मेरी लंबाई निकल कर आ गई लंबाई कितनी आ गई पांच हजार बटे साठ तो लंबाई कितनी आ गई पांच हजार ये एक घंटे का है साठ से भाग कर दोगे एक मिनट का आ जाएगा चौड़ाई हमें कहा गया है तीन मीटर लेने को ऊंचाई कहा गया छत्तीस मीटर लेने को बस कोई परेशानी की बात नहीं है आप छे से काटेंगे तो आपका छे से छह बार में कटेगा जीरो से काटेंगे जीरो बार में कटेगा छह पचे तीस इंटू तीन कितना हो जाएगा नब्बे और दो जीरो को और बड़े प्यार मोहब्बत से यहां लगा दो नौ हजार मीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बी फॉर बनेंगे तो इंस्पेक्टर ही बनेंगे राहुल सिंह कहते हैं थोड़ा रफ्तार पकड़िए बहुत शानदार राहुल सिंह भाई एक काम करो आप वीडियो को बाद में रफ्तार से ही देख लेना क्या परेशानी है आपको आप एक काम करो वीडियो को बाद में टू एक्स के स्पीड में देख लेना फिर आप लाइव मत देखो आप रिकॉर्डेड देख लेना ठीक है जाओ क्वेश्चन नंबर पांच देखो क्या बोला गया बोला गया लेंथ और हाइट जो है वो दिया गया है सात पांच और तीन के अनुपात में वोल सरफेस दिया गया है इतना वॉल्यूम पूछा गया है बताओ ठीक है अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है अनुपात में दे रखा है कि नहीं दे रखा है इसकी लंबाई सेवन एक्स हो जाएगी इसकी चौड़ाई फाइव एक्स हो जाएगी इसका हाइट थ्री एक्स हो जाएगा टोटल सरफेस का एरिया दे दिया है टोटल सरफेस का एरिया दे दिया है तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे और एक्स की वैल्यू निकालने के बाद हम वॉल्यूम निकाल देंगे ये सवाल आसान है आप खुद से कर सकते हैं बताइए ठीक है खुद से कर सकते हैं या फिर मैं करवा दूं ये बताओ पहले चलो करवा ही देते हैं अगर आप बोलोगे तो बोलोगे सर लंबाई हमारी सेवन एक्स हो जाएगी ठीक है जब रेशियो में दिया गया होता है तो एक्स के टर्म में मान लेते हैं चौड़ाई इतना ऊंचाई इतना टोटल सरफेस एरिया इतना दिया गया है टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है तो बोलते हैं सर टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच ये हमारा टोटल सर्फेस एरिया होता है और ये किसके बराबर होता है तो दो सात आठ तीन दो इसके बराबर होता है ठीक है तो अगर हम लंबाई की बात करें तो सात पांच और तीन हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा सात पांच और तीन हो जाएगा यानी यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर दो इंटू लंबाई के स्थान पर हमें कितना लेना है तो सेवन एक्स लेना है चौड़ाई के स्थान पर कितना लेना है तो पांच लेना है ठीक उसी तरीके से यहाँ पर चौड़ाई पर पांच लेना है और ऊंचाई पर कितना लेना है तो तीन लेना है फिर यहाँ लंबाई पर कितना लेना है तो सात लेना है और ऊंचाई पर कितना लेना है तीन लेना है ठीक है मेरे भाई ये वैल्यू आ जाएगी दो सात आठ तीन दो के बराबर अगर आप देखोगे तो यहां से रहने तो दो को अभी फिलहाल X into X, यानी X square, X square, X square. हर किसी के पास X square आ जाएगा 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 तो X square बाहर निकाल देते हैं। पचे यहां पर हो जाएगा 35, 5 into 3 हो दो सात आठ तीन दो ठीक है फिर यहां बोलोगे दो इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू इसकी वैल्यू पैंतीस और पंद्रह पचास हो गए पचास और बीस इकहत्तर हो गए बराबर दो सात आठ तीन दो ठीक है चलो अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पर हम काटें तो दो से काटते हैं चलो दो से काटा तो एक बार में चाहो तो आप सीधा का सीधा इकहत्तर से भी काट सकते हो कोई दिक्कत की बात है नहीं या इकहत्तर का दो गुना हो गया हमारा 142 142 से भी काट सकते हो बट काट लो दो से आपने काटा एक बार में दो दूनी चार दो तीन के ठीक है दो छोटा दो, दो, एकम दो, दो अब एक दो सीधा से भी इकहत्तर से दो गुना कितना हो जाएगा सात दो चौदह ज्यादा यानी सेवनटी वन नौ से एक आठ हो गया तेरह से सात छ हो गया छह सौ इक्यासी सात पचास पैतीस सात आठ सत छप्पन नौ सते तिरसठ नौ से गुना करो नौ एकम नौ और नौ तिरसठ हो जाता है ग्यारह से नौ गया तो दो आएगा सात से तीन हो गया चार आएगा और फिर आ जाएगा इतना फिर छह से गुना करोगे यानी ये 196 बार में कटेगा कितनी बार में कटेगा तो 196 बार में तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 196 अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 196 आ जाएगी तो एस की वैल्यू कितनी आएगी 14 आ जाएगी अब एक्स की वैल्यू अगर आपकी 14 आ गई है तो आपका लंबाई भी चौदह इंटू सात चौड़ाई भी आपका पांच इंटू सात और ऊंचाई भी आपका सॉरी सात इंटू चौदह पांच इंटू चौदह तीन इंटू चौदह सवाल में हमसे बोला है वॉल्यूम ठीक है तो आपको क्या करना है वॉल्यूम निकालना है लेकिन कैसे निकालना है अब आप वो देखो तो आप बोलोगे सर इसका वॉल्यूम निकालते हैं वॉल्यूम बराबर क्या होगा तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई यहाँ पर कोई परेशानी की बात है लंबाई का मान सात पांच और तीन है देखो सात एक्स पांच एक्स तीन एक्स एक बार इसको गुना करो तो बोलोगे सर सात एक्स को पांच एक्स के साथ गुना करना है और इसको तीन एक्स के साथ गुना करना है सात पचे पैंतीस इंटू तीन ठीक है पंद्रह एक एक सौ सौ पांच पांच एक्स क्यूब आ जाएगा एक सौ पांच का मान एक सौ पांच रखेंगे और एक्स क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर फोर्टीन का क्यूब हो जाएगा अब हमें इसको गुना करना है एक सौ पांच को चौदह के क्यूब के साथ अब या तो यहाँ पर डिजिटल सम लगा लो ठीक है या तो यहाँ पर डिजिटल सम लगा लो डिजिटल सम आता है तो और नहीं तो अगर डिजिटल सम नहीं आता तो बैठकर गुना करो जैसे यहाँ पर सभी ऑप्शंस के एक बार डिजिटल सम निकालोगे तो बोलोगे सर इसके डिजिट का सम देखो तो आठ और दो दस दस और एक एक ग्यारह एक ग्यारह देखो और दो कितना हो गया तेरह आप जोड़ लो ना या आठ और एक नौ काट दो आठ और नौ काट दो, दो और दो इसका डिजिट का सम चार डिजिट सम का मतलब होता है सबको जोड़कर एक अंकों पर लेकर आना उसी तरीके से आठ और एक नौ को जोड़ दो तो इसका डिजिट का सम चार आएगा डिजिट का सम भैया दो संख्याओं का बराबर आ रहा है मतलब हम जो है डिजिट सम से कर ही नहीं सकते फिर हमें इनको गुना करना पड़ेगा चौदह की क्यूब को एक के साथ गुना लगाना पड़ेगा तो हम कर सकते हैं या फिर आप ऐसे देख लो कि ये संख्या सात से कट रही है इसमें सात से कटने वाली कौन सी संख्या है आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि जैसे मानो अगर हम ऑप्शन नंबर बी को देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सात चौके अट्ठाईस फिर सात एकम सात एक ग्यारह सात एकम सात ऑप्शन नंबर बी सात से कट रहा है अगर ऑप्शन नंबर बी सात से कट रहा है तो हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे क्यों क्योंकि इसमें देखो तो सात के पहाड़े में ये आता है अगर ये सात के पहाड़े में आ रहा है तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई डिजिटल सम से नहीं कर सकते आप डिजिटल सम से चाहो तो डिजिटल सम से करना चाहो तो डिजिटल सम से भी कर सकते हो जैसे यहाँ पर छे हो गया ठीक है और पांच का क्यूब एक सौ पच्चीस पांच दो सात एक आठ आठ छः अड़तालीस तीन आएगा डिजिटल सम और इसका डिजिटल सम भी कितना है तो आठ एक नौ खत्म आठ चार बारह तीन इसका डिजिटल सम आ रहा है तो डिजिटल सम से करोगे तो भी आ सकता है आंसर या फिर डिविजिबिलिटी से करोगे तो भी आ सकता है तो ये था क्वेश्चन नंबर पांच ठीक है मैंने आपको क्यों ये सवाल करवाया ताकि आप देखो कि सवाल कितने कैलकुलेटिव आ रहे हैं पेपर में माना जाता है तो कोशिश किया करो कि स्क्वायर को पहले निकाल के रख लो बाहर सीधा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और लास्ट में भी ऐसा मत करना की पूरी संख्या को गुना कर रहे हो इतने को एक्स क्यूब के साथ गुना करना है यानी इतने को क्यूब के साथ गुना करना है और इसको गुना करना है तो डिजिटल सम आता है तो यहीं पर डिजिटल सम लग जाता है या फिर डिविजिबिलिटी आती है तो लग जाता है जिसका आपको पूरा का पूरा यूज करना है बहुत अलग अलग सेशन में मैंने बताए हैं अब आप लोगों की दूसरी क्लास जो है वो दिखा रही होगी लाइव मुझे जहां तक लग रहा है दूसरी क्लास अभी है या डेढ़ बजे है ये बताओ पहले अभी है या डेढ़ बजे है एक और क्लास आप लोगों की मैंने दो क्लासेस आज लगाई हैं। मैंने कहा आज बच्चों को ज्यादा पढ़ाएंगे थोड़ा सा एक बार मुझे देखकर बताओ कि दूसरी क्लास कितने बजे है डेढ़ बजे है सवा में है, है? है ठीक तो अभी जो दूसरी वाली क्लास है ना, आपकी आप उसमें लाइव आ जाओ अभी दूसरी वाली क्लास हम लोग लेंगे सवा एक से चल रही है सभी उसमें आ जाओ मेंसुरेशन की क्लास नंबर टू में फिर वहां से आगे और कंटिन्यू करते हैं आ जाइए जल्दी से आ जाइए